guys guys welcome back back to my my youtube channel channel if you you are new new on this channel, let me tell you, my name is and and i am back with the new one the video so guys, के थामले देख करके आप लोग इस वीडियो पे आए हैं मैं आपको बता दूं कि आज की अपडेट ये है कि हर महीने आपको मिलने वाला है पाँच पांच हजार रुपए जिनके पास भी ई श्रम कार्ड है उन सबको मिलेगा पांच पांच हजार रुपए तो गाइस इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो जरूर देखें और वीडियो अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा तो बिना कुछ देरी कर अब इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइस सोनम गुप्ता के बेवफा हो जाने के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चे में है वो है हमारा ई श्रम कार्ड जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हो ई श्रम कार्ड योजना अभी भारत में टॉप पर है हर दिन कई लाख लोग ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों की संख्या सरकार की के द्वारा निर्धारित किए गए आंकड़ों के नजदीक पहुंच गई है गाइस ई श्रम कार्ड योजना श्रमिकों को लाभ पहुंचाने वाली एक बहुआयामी योजना है और गाइस जब बात आती है उत्तर प्रदेश सरकार की तो गाइज सरकार श्रमिकों को कुछ ज्यादा ही विशेष लाभ पहुँचा रही है ऐसे तो गाइज ये योजना केंद्र सरकार की योजना है और आजकल इस योजना से हर कोई जुड़ना चाहता है और उनका जुड़ना एक तरह सही भी है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि श्रमिकों के परिवार को पांच लाख की मेडिकल असिस्टेंस साठ साल के बाद तीन हजार पेंशन और वैसे तो भगवान न करे अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उनकी फैमिली को दो लाख मुआवजा राशि भी मिलती है पूरी तरह से अपाहिज हो जाने पर दो लाख माइनर फ्रैक्चर हो जाने पर एक लाख बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और बेटियों के शादी के लिए हेल्प भी मिलेगा अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें और आप यूपी से आते हैं और तो और आपके पास ई श्रम कार्ड भी है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक हजार रूपए की पहली किस्त तो मिल गई होगी अगर नहीं मिली है अब तक तो दो ऐसी चार दिन में आपको मिल जाएगी और बस इतना ही नहीं इसके बाद पाँच पाँच की आपको दो किस्त और मिलेगी तो गाइज इस तरह टोटल आपको यूपी गवर्नमेंट की तरफ ऐसी दो मिलेंगे गाइज अब आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल पे तो तुमने पांच हजार रुपए की बात की है यहाँ पे दो हजार रुपए ही क्यों बाकी के तीन हजार रूपए कहाँ गए आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये एक बिल्कुल ही फेक न्यूज है दूर दूर तक इसका कोई सच्चाई से वास्ता ही नहीं है ये बात बिल्कुल सही है कि यूपी सरकार ने आपको पाँच पाँच सौ रूपये हर महीने देने का वादा किया था पर कुछ लोग कुछ लोगों ने उस पाँच में एक और जीरो लगा के उसे पाँच बना के ये अफवाह हर जगह फैला दी की आपको अब हर महीने पांच पाँच हजार रुपए मिलेंगे तो गाइज मैं आपको बता दूं पूरा क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है आपको पांच हजार रूपये नहीं मिलेंगे आपको केवल दो हजार रुपए मिलेंगे जैसे कर्म में मैंने थोड़ी देर पहले बताया वैसे ही आपको ये पैसे मिलेंगे तो गाइस जो भी चीजें मैंने इस पूरी वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड से पहले बताया वो सब चीज सच थी और ये जो पाँच हजार रुपये वाली फेक न्यूज है वो फेक न्यूज थी तो कृपया दूसरों के बातों में ना आए जो सही चीज़ है उसको पता करें तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अपने डाउट्स दोस्तों तक जरूर शेयर करें चैनल सब्सक्राइब किए बिना ना जाए बेलाइकन जरूर दबा लें इससे आपको मेरे वीडियोज के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे मैं फिर मिलूंगी ऐसे न्यू एंड्राशिंग वीडियो के साथ अब तक आप हंसते रहें आते रहें और अपने फैमिली का ध्यान रखें